इन दिस वीडियो मैं आपसे मेरी एन पोस्टिंग के एक्सपीरियंस को शेयर करने वाला हूं एंड ड्यूरिंग एन पोस्टिंग मैंने काफ़ी कुछ सीखा जैसे कि किसी पेशेंट के ऊपर ई लीड्स को कैसे प्लेस करते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मिलर्स एंड मैकिनटोन्स लेरिंगोस्कोप पर्पल एंड येलो आई वी कैनुला एच यानी कि हाई रिस्क कंसेंट प्लेन वाइल एंड ईडी टी वाइल ब्लड बेग वाट इज डिफरेंस बिटवीन आई इन्फ्यूजन सेट एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट इक्ट्रस एंड कर्निक्ट्रस एंड सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ तो देखिए आई एम पवन नागर एंड राइट नाउ आई एम डूइंग एम इंटर्नशिप और आपने टी सी एम एल यूट्यूब चैनल टी सी एम एल मोबाइल ऐप एंड टी सी एम एल ऑफिशियल वेबसाइट एंड मैंडल डॉट कॉम इनके बारे में ज़रूर सुना होगा एंड आगे की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रैपिड रिविजन कोर्स के बारे में बताने वाला हूँ और ये कोर्स आपको कहाँ मिलेगा डॉक्टर जी भानु सर के यूट्यूब चैनल पर एंड चैनल पर भी किस नाम से मिलेगा रिमार्केबल रैपिड रिविज़न और जो ये रिमार्केबल रेपिड रिविजन कोर्स है ना ये वाला कोर्स एफ एम जी ई स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है एंड इस कोर्स की आल वीडियोस एंड नोट्स सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड वीडियोस का तो मैंने बता दिया कि कहाँ मिलेगी डॉक्टर जी भानु सर के यूट्यूब चैनल पर एंड चैनल पर भी एक सेपरेट प्लेलिस्ट है और प्लेलिस्ट का नाम क्या है रिमार्केबल रेपिड रिविज़न एंड नोट्स के लिए आपको डॉक्टर जी भानु सर के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को विजिट करना पड़ेगा एंड जो यूट्यूब वाली प्लेलिस्ट है और जो टेलीग्राम का लिंक है ये दोनों आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और इसी के साथ डॉक्टर जी भानु सर नेक्स्ट एग्जाम के लिए सब्जेक्ट वाइज वीडियोज़ बैंक एंड नोट्स जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं एंड अब आप बोलेंगे कि सर कब लॉन्च करेंगे एंड लॉन्च का हमें पता कैसे चलेगा तो देखिए आप डॉक्टर जी भानु सर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड जैसे ही नेक्स्ट एग्जाम के रिगार्डिंग जो भी कंटेंट है वो लॉन्च होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा एंड शायद मार्च तक आपको कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा एंड अब हम आते हैं हमारी वीडियो के ऊपर और ड्यूरिंग एन पोस्टिंग मेरे सामने दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और इनमें से नंबर वन थी नाइट पोस्टिंग नंबर टू थी कोहरा यानी कि फोक मतलब कि आप अजूम कीजिए कि आपको रात के दो बजे यानी कि टू एम पर पोस्टिंग के लिए जाना है एंड जैसे ही आप बाहर निकले तो आपको चारों तरफ कोहरा, कोहरा ही कोहरा दिखाई दिया और जो कोहरा था वो इतना ज़्यादा था कि आपको सामने वाली लाइट्स भी नहीं दिखाई दे रही ओके ओवरऑल रात को दो बजे इतने कोहरे में पोस्टिंग जाना एक बहुत ही बड़ी चैलेंजिंग बात है एंड फाइनली मैं अपने रूम से निकला एंड पहुंच गया हॉस्पिटल एंड मुझे आज भी पता है कि जब मैं फर्स्ट टाइम मेरी इंटर्नशिप की पोस्टिंग गया था तो मुझे हॉस्पिटल के अंदर रास्ते नहीं मिले थे कि यार मुझे इस वाले रास्ते पे जाना है कि इस वाले रास्ते पे जाना है कि इधर जाना है ओवरऑल मैं कंफ्यूज हो गया था एंड जब मैं छः सात बार गया तो फाइनली फिर मुझे पता लग गया कि ओ टी होती है पीडिया का वार्ड कहाँ पर है मेडिसिन का वार्ड कहाँ है सर्जरी का वार्ड कहाँ है ओके okay? तो फाइनली मैं कहाँ पहुँच गया एन के अंदर एंड जैसे ही मैं एन आई सी यू के अंदर पहुंचा तो सबसे पहले मैंने अपने शूज़ ओपन किए और स्लीपर्स पहनी एंड देन मैं स्लीपर पहन के चला गया अंदर और अंदर जाते ही सबसे पहले मैंने हैंड वॉश किए देन उसके बाद मैं पहुंच गया काउंटर के ऊपर और फिर मैंने वहां पर सभी पेशेंट्स की फ़ाइल को रीड किया कि यहां पर कितने पेशेंट्स एडमिट हैं और किन को क्या क्या प्रॉब्लम है देन फाइल्स को रीड करने के बाद मैं पहुंच गया पेशेंट्स के पास पेशेंट्स के वाइटल लेने और वाइटल्स के अंदर हम मेनली फाइव चीज़ों को मेजर करते हैं पेशेंट के अंदर एंड इनमें से नंबर वन क्या है ब्लड प्रेशर नंबर टू पल्स रेट नंबर थ्री रेस्पायरेटरी रेट नंबर फोर टेम्परेचर एंड नंबर फिफ्थ एस ओके और इसी के साथ कुछ पेशेंट्स का आर भी मेजर करना होता है एंड आर मतलब रेंडम ब्लड शुगर और देखिए आर इसको हम वाइटल्स के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं ये एक अलग चीज़ है एंड आर के लिए हम किसका यूज़ करते हैं ग्लूकोमीटर का आपको भी वीडियो में दिखाई दे रहा होगा तो देखिए ग्लूकोमीटर एक बहुत छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है एंड सबसे पहले हम क्या करेंगे ग्लूकोमीटर के ऊपर स्ट्रिप लगाएंगे एंड स्ट्रिप लगाते ही ग्लूकोमीटर ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है एंड फिर हम क्या करेंगे स्प्रिट से पेशेंट की फिंगर को क्लियर करेंगे एंड देन फिर उस पर प्लिक करेंगे एंड प्रिक करने के बाद ब्लड की वन ड्रॉप को जो ग्लूकोमीटर की स्ट्रिप है उसके ऊपर डालेंगे एंड विद इन सेवन टू एट सेकेंड आपके पास आरबीएस की वैल्यू आ जाएगी एंड यहाँ पर आप एक बात पर फोकस करना कि हमने एडल्ट की फिंगर प्रिक की है मतलब कि किसी एडल्ट का हमें आरबीएस करना है तो हम उसकी फिंगर को प्रिक करेंगे और फिंगर से ब्लड का ड्रॉप लेंगे एंड आपसे कोई बोले कि, कि किसी न्यूनेट का लो मतलब कि कोई बच्चा अभी पैदा हुआ है और आपको उसका आरबीएस करना है तो देखिए उस बच्चे की आप फिंगर प्रिक मत करना उसकी क्या प्रिक करनी होती है हील ओवरऑल हम छोटे बच्चे की हील को स्प्रिट से साफ करेंगे एंड देन फिर उसके ऊपर पिक करेंगे ब्लड की ड्रॉप निकालेंगे और उस ड्रॉप को कहाँ डालेंगे आरबीएस की स्ट्रिप के ऊपर तो आई होप आप समझ गए होंगे कि एडल्ट में फिंगर प्रिक करते हैं और छोटे बच्चों के अंदर उनकी हील प्रिक करते हैं एंड जो पेशेंट आप अभी इस वीडियो के अंदर देख रहे हैं आप इस पेशेंट की आई पर फोकस कीजिए एंड आई पर भी कहाँ फोकस करना है आई के वाइट वाले पार्ट पर यानी कि कोर्निया के ऊपर एंड जब आप इस पेशेंट की आई को देखेंगे तो इसकी आई का वाइट वाला पार्ट टोटली येलो कलर का दिखाई दे रहा है एंड इसे मेडिकल टर्म के अंदर क्या बोलते हैं इकट्रस e और अब मैं वीडियो में आगे इसी एक्ट्रस e वाले पेशेंट की बात स्टार्टिंग से करने वाला हूँ कि जब ये पेशेंट एन के अंदर एडमिट हुआ था तो इसके साथ क्या क्या प्रोसीजर हुई थी मतलब कि किस तरह से इस पेशेंट को मैनेज किया गया था तो देखिए जैसे ही ये पेशेंट एन के अंदर एडमिट हुआ ना तो सबसे पहले हमने इसका ब्लड सैंपल निकाला एंड पेशेंट का ब्लड सैंपल निकालने के लिए हमें क्या डालना पड़ेगा आईवी वी कैनोला ओके एंड छोटे बच्चों के अंदर मेनली वोलेट एंड येलो कलर का आई वी कैनोला यूज़ करते हैं और इन दोनों में से भी मेनली कौन सा करते हैं वोलेट कलर का यानी कि ट्वेंटी सिक्स गेज देखिए आई वी कैनोला की कलर कोडिंग और इनके जो नंबर होते हैं दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नीट पी जी के अंदर हर साल इनसे क्वेश्चन आते हैं एंड येलो आई वी कैनोला का नंबर कौन सा होता है ट्वेंटी फोर तो याद रखना और जैसे ही हमने पेशेंट के अंदर आई वी कैनोला लगाया और कैनोला लगाते ही ब्लड बाहर आया तो हमने उस ब्लड को टू वॉइस के अंदर कलेक्ट किया पहली वाली वॉइल कौन सी थी रेड कलर की सेकेंड वॉइल कौन सी थी पर्पल -पर कलर की आपको भी वीडियो में दिखाई दे रही होगी एंड रेड वॉइल के ऊपर क्या लिखा है क्लोट एक्टिवेटर मतलब कि रेड वाली वॉइल के अंदर कोई भी एंटीकोबलेंट नहीं होता है मतलब कि इस वाली वॉइल के अंदर हम जैसे ही ब्लड डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा क्लोट हो जाएगा एंड पर्पल -पर कलर की वॉइल इसके ऊपर क्या लिखा है ईडी है मतलब कि इसके अंदर कौन सा एंटीकोबलेंट होता है ईडी है और देखिए वॉइल्स और इनके कौन कौन से कोगुलेंट होते हैं और कौन सी वॉइल्स का कहाँ यूज़ करते हैं दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इससे भी नीट पीजी के अंदर क्वेश्चन आता है तो इन्हें भी पढ़ लेना और इन दोनों वॉइल्स के अंदर ब्लड सैंपल फिल करने के बाद इन दोनों वॉयल्स को लेबोरेटरी भेज दिया किसके लिए एल के लिए, लिए यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट के लिए देखिए और भी टेस्ट कराए हैं बट मैं उनके नाम यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ ओनली एल का ही नाम ले रहा हूँ एंड जैसे ही पेशेंट की एल की रिपोर्ट आई यानी कि लिवर फंक्शन टेस्ट की रिपोर्ट आई तो देखिए वो रिपोर्ट बहुत ही खतरनाक थी एंड आपको भी यहाँ पर रिपोर्ट दिखाई दे रही होगी एंड इस रिपोर्ट के अंदर आप बिलीरुबिन टोटल एंड ए यानी कि एल्कलाइन फास्फेट इन दोनों की वैल्यू देखिए मतलब कि बहुत ही ज़्यादा बढ़ी हुई है और ब्लूरोबिन टोटल ये तो ट्वेंटी से भी ऊपर है मतलब कि पेशेंट के ब्लड के अंदर बिलूरोबिन बहुत ही ज़्यादा है और ड्यू टू हाई ब्लूरोबिन इन ब्लड ये बिलूरोबिन कहाँ पर अक्यूमलेट हो गया कहाँ पर डिपोजिट हो गया पेशेंट की आई की कोर्निया के अंदर अरे मैंने बताया था ना यार इक्ट्रस इक्ट्रस मतलब कि पेशेंट की जो कर्निया है वहाँ पर बिल्योबिन डिपॉजिट हो गया अक्यूमलेट हो गया क्यों हो गया क्योंकि पेशेंट के ब्लड के अंदर बिल्योबिन बहुत ज़्यादा था इसीलिए वह आई की कोर्निया के अंदर अक्यूमलेट हो गया एंड मेडिकल टर्म के अंदर इसे क्या बोलते हैं इक्ट्रस एंड इसी के साथ आपने एक और वर्ड पढ़ा होगा कर्निक्टनिक्ट्रस मतलब कि जो बिल्युबिन का लेवल है वो इतना ज्यादा हो गया कि अब वो बिलुरुबिन पेशेंट के ब्रेन के अंदर डिपॉजिट हो रहा है मतलब कि पेशेंट की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने वाली है ओवरऑल न्यू है कि इक्ट्रस मतलब कि जो बिलुरुबिन है वो अभी ब्रेन तक नहीं गया है ओके ओनली आई में डिपॉजिट हो गया पेशेंट की स्किन में डिपॉजिट हो गया पेशेंट की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ पर बिलोरुबिन डिपॉजिट हो गया एंड कर्निया का ना मैंने बता दिया कि पेशेंट की कोर्निया के अंदर बिलोरुबिन डिपॉजिट हो गया तो ये सारा क्या है दिस इज इकट्रस्ट मतलब कि अभी ब्रेन तक बात नहीं पहुँची है एंड बिलूरोबिन इतना ज़्यादा हो गया कि वो ब्रेन के अंदर डिपॉजिट हो गया तो इसे हम क्या बोलते हैं करण एक ट्रस्ट मतलब कि हालत बहुत ही ज़्यादा सीरियस है ओवरऑल न्यू है कि एल की रिपोर्ट एंड अदर रिपोर्ट्स के बाद हमने पेशेंट के गार्जन को बताया कि देखिए आपके बच्चे की हालत बहुत ही ज़्यादा सीरियस है एंड आपको सबसे पहले एच यानी कि हाई रिस्क कंसेंट पर साइन करना होगा एंड नाम से ही क्लियर है हाई रिस्क कंसेंट मतलब कि जो पेशेंट की हालत है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है ओवरऑल पेशेंट हाई रिस्क पर है एंड डॉक्टर को फर्दर ट्रीटमेंट के लिए पहले पेशेंट के अटेंडेंट या फिर बोल दीजिए पेशेंट के गार्जन से कंसेंट लेनी पड़ेगी कि हम आगे ये करने वाले हैं और इसके लिए हमें आपके सिग्नेचर चाहिए ओके okay? तो होप आप समझ गए होंगे कि एच क्या होती है एच के ऊपर पेशेंट के गार्जियन के साइन लेने के बाद हमने उस पेशेंट के ऊपर ई लीड्स को लगाया एंड आपको यहाँ पर अभी थ्री लीड्स दिखाई दे रही होगी एंड कलर कौन सा है येलो ग्रीन एंड रेड और देखिए जो रेड वाली लीड है वो हमने कहाँ लगाई है राइट right साइड ऐसे ध्यान रखना रेड का आर यानी कि राइट साइड एंड इसी के पैरल लेफ्ट साइड हमने कौन सी लीड लगाई है येलो कलर की ओके एंड येलो के जस्ट नीचे यानी कि लेफ्ट साइड ही हमने कौन सी लीड लगा रखी है ग्रीन वाली ओके तो ओवरऑल तीनों लीड्स आपको अभी वीडियो में दिखाई दे रही होगी एंड जब भी आप इसी की लीड्स को लगाओ ना तो आप एक बात अपने दिमाग में रखना कि इन लीड्स को मुझे बोन के ऊपर नहीं लगाना है जस्ट लाइक रिप्स के ऊपर या फिर बोल दीजिए क्लेविकल बोन के ऊपर ये लीड्स नहीं लगानी है ओके एंड इक्ट्रस वाले पेशेंट की बात हम यहीं पर फिनिश करते हैं और नीको के अंदर मैंने लेरिंगोस्कोप भी देखे और आप मेनली टू टाइप के लेरिंगोस्कोप पढ़ते हो नंबर वन कौन सा होता है मिलर्स लेरिंगस्कोप नंबर टू कौन सा होता है मैकिनटोंस ओके okay? और देखिए इन दोनों में किसका डिफरेंस होता है ब्लेड का ओवरऑल न्यू है कि लेरेंगोस्कोप के टू पार्ट होते हैं सबसे पहला क्या होगा हैंडल सेकंड क्या होगा ब्लेड एंड ब्लेड के नाम पर ही लेरिंगस्कोप के नाम होते हैं मतलब कि जो मिलर्स लेरिंगोस्कोप होता है इसमें एकदम आपको स्ट्रेट ब्लेड मिलेगी तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं मिलर्स लेरिंगोस्कोप एंड जो मैकेट्स होता है इसके अंदर आपको करुड ब्लेड मिलती है तो इसे हम क्या बोलते हैं मैकेटन्स लेरिंगोस्कोप ओके और ये दोनों लेरिंगस्कोप रटने के नहीं है मतलब कि मैकेटोंस जब आप लिखोगे तो इसमें क्या आता है सी आता है देखिए ना एम एस सी सी आ रहा है सी क्या होता है करोड होता है इसीलिए मैकिंगटोन्स मतलब कि इसके अंदर आपको क्या मिलेगी करुड ब्लेड मिलेगी एंड मिलर के अंदर क्या आता है एल आता है देखिए ना एम आई डबल एल 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 मतलब कि एल बिल्कुल स्ट्रेट होता है तो ओवरऑल मिलर्स लेरिंगोस्कोप इसके अंदर आपको स्ट्रेट ब्लेड मिलती है एंड मिलर्स लेरिंगोस्कोप इसका यूज हम मेनली न्यू में करते हैं यानी कि छोटे बच्चों में करते हैं और मैकेटॉन्स लेलिंगस्कोप इसका यूज़ हम किस में करते हैं मेनली एडल्ट में करते हैं और इसी के साथ मैंने एक पेशेंट के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी किया और ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन मुझे दो बातें पता चली कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए हम किसका यूज़ करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन किट का ओवरऑल न्यू है कि जो हम बोतल लगाते हैं ना आर की एन की उसके लिए क्या आता है इन्फ्यूजन सेट ओके और ब्लड ट्रांसफ्यूजन इसके लिए क्या आता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट ओवरऑल न्यू है कि आई वी इन्फ्यूजन सेट और ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट ये दोनों अलग अलग होते हैं एंड सेकेंड बात पता चली कि जो ब्लड बैग होता है उसके अंदर कौन सा एंटीकोगलेंट होता है सी पी डी कि सिट्रेट फास्पेट डेक्सट्रोज एंड एडिनिन और देखिए इन चारों का अलग अलग फंक्शन होता है और इसका क्वेश्चन भी नीट पी जी के अंदर आया हुआ है ओवरऑल आप इसे भी पढ़ लेना फाइनली आज की हमारी वीडियो यहीं पर फिनिश होती है एंड आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा एंड इस वीडियो को बनाने में ना मुझे मोर देन वन वीक लग गया मतलब कि वीडियो की पूरी स्क्रिप्ट लिखना एंड वीडियो के बीच में जो छोटी छोटी क्लिप्स होती है उन्हें शूट करना एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है शूटिंग के टाइम कि बहुत सी बार मैं भूल जाता हूँ तो ओवरऑल कभी कभी आधा घंटा कभी कभी एक घंटा पूरी वीडियो को शूट करने में लग जाता है ओवरऑल बात यह है कि अगर आपको इस वीडियो के अंदर दम लगा होना तो आपको क्या करना है इस वीडियो को लाइक करना है और इस वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर जाना है क्योंकि मैं हर बार आपसे बोलता हूँ कि वीडियो पर जितने ज़्यादा लाइक होंगे वीडियो पर जितने ज़्यादा कमेंट होंगे तो उससे क्या होता है हमारी टीम मोटिवेट होती है कि यार आपको ये वाला कंटेंट पसंद आ रहा है एंड देन फिर हम नेक्स्ट वीडियो के लिए और भी ज़्यादा एनर्जी लगाते हैं ओके तो अगर वीडियो में दम लगा हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट करके ज़रूर जाना एंड बाय